हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने टाइम पे बीएफए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की और बहुत ही कम समय में क्रैक किया। क्या क्या चीजें थी जो मैंने अपने टाइम पे की, किस तरीके से मेहनत करी, कौन कौन सी चीजें पढ़ी, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मे बी वो आपको हेल्प करे जिस तरीके से मैंने पढ़ा। अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो शायद आपको भी वो सारी चीजें हेल्प करे। तो ये कम्प्लीट वीडियो इसी पे है और माफी भी चाहूंगी कि बैकग्राउंड में बहुत साउंड आ रहा होगा शोरगुल रोड का, क्योंकि बगल में रोड है तो इसलिए थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हुए मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब मैं इस फील्ड के लिए आई तो मुझे पता ही नहीं था कि बीएफए के एंट्रेंस एग्जाम में थ्योरी भी पढ़ना होता है। मुझे पता था सिर्फ इतना कि बीएफए क्या है, पेंटिंग है। मुझे ये भी नहीं पता था कि इसमें 5 अलग अलग स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स होते हैं। मुझे सिर्फ पता था कि पेंटिंग करनी है, पेंटिंग एग्जाम देनी है, खत्म। लेकिन जब मैं बाहर आई, बनारस आई जब फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए, तो यहाँ आके पता चला कि नहीं, पेंटिंग के साथ साथ आपको कंपोजिशन, स्टिल लाइफ के साथ साथ थ्योरी भी पढ़नी है। फर्स्ट टाइम पता चला। और थ्योरी में क्या पढ़नी है, तो आर्ट हिस्ट्री, जो कि मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट रहा है। आर्ट हिस्ट्री पढ़ना मुझे कभी भी पसंद नहीं रहा है और वही सब्जेक्ट मुझे पढ़ना था। तो ये मेरे लिए एक और चैलेंज था कि एक तो मैंने कभी कुछ वो सब पढ़ा ही नहीं और अचानक से इतना डीप आर्ट हिस्ट्री पढ़ना, तो फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्रैक करना है, पढ़ना तो पड़ेगा। देन अब बात करते कि मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करती थी। तो ज्यादातर मैं ग्रुप स्टडीज करती थी। अर्ली मॉर्निंग क्लासेस चलती थी मेरी, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। और उसके बाद क्या करना, रूम पे नहीं आना है। उसके बाद बीएचयू में बहुत सारे कैंपस है, फील्ड है, बैठ जाना है कहीं और ग्रुप स्टडी करना है। और उसमें जिस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की, मैं जो भी याद करती थी मैं अपने फ्रेंड्स को बोलती थी कि मुझे क्वेश्चंस पूछे। पूरा टाइम करती थी कि मैं क्वेश्चंस पूछे। और सबसे बताओ कि हम लोग ग्रुप स्टडी कितनी देर किया करते थे, सुबह से लेके शाम तक हम लोग ग्रुप स्टडी लगातार किया करते थे डेली बेसिक पे। और उस ग्रुप में मैं सबसे ज्यादा क्या करती थी कि मैं अपने फ्रेंड्स को बोलती थी कि मुझसे क्वेश्चंस पूछो, फिर वो मुझसे क्वेश्चंस पूछते भी थे। तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे क्वेश्चंस पूछते तो थे, प्लस जब मैं रूम पे आ गई, ठीक है, सुबह से शाम तक हम लोगों ने बाहर पढ़ा। और ऐसा भी होता था कि हम लोग सुबह से शाम तक भूखे रहते थे क्योंकि हॉस्टल में आके खाना मिलेगा, और ऐसे बिस्किट खाए हुए या कोई टिफिन ले आए तो वो खाए हुए रह गए, ऐसा होता था। और शाम में आके डायरेक्ट खाना खाना है। और कोई नहीं, वो भी एक दिन था इंजॉयमेंट वाला, उसको भी जीने में एक अलग ही मजा है। तो फिर जब रूम पे आई मैं, तो रूम पे आने के बाद क्या करती थी कि पढ़ना तो है ही, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के तो पढ़ना है ही। और जो मुझे, जब मैं खाली बैठी रहती थी कि मान लीजिए मैं खाना भी खा रही हूँ या फिर मैं टहल रही हूँ छत पे थोड़ी देर के लिए या वॉक कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो उस समय ना जो भी मैंने पढ़ा है वो सारे रिकॉल करती थी कि हाँ मैंने आज ये पढ़ा है, उसका क्वेश्चंस भी और उसके आंसर्स भी। और जहाँ फंसती थी मैं उसी समय तुरंत कॉपी उठाती थी और देखती। इवन जब खाना खा रही हूँ और मैं रिकॉल कर रही हूँ सारी चीज़ें और मैं कहीं फंस रही हूँ, तो मैं खाना छोड़ के उसमें मैंने कॉपी उठाया और मैंने देखा कि अच्छा इसका आंसर ये है। तो इस तरीके से मुझे चीज़ें ना बहुत देर तक याद रहती थी। और मैं ऐसा बता दूँ कि मैं इतनी वीकर स्टूडेंट हूँ कि मैं कुछ भी याद करती हूँ तो मैं तुरंत भूल जाती हूँ, आधे घंटे विद इन एक घंटे में भूल जाती हूँ। मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम। और ये ऐसा नहीं कि अभी भी, अगर मैं अभी कुछ याद करूँ तो मैं एक घंटे में भूल जाऊँगी, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ऐसा है मेरे साथ, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट रिलेट भी कर पा रहे होंगे मेरी बातों से। और सेकेंड चीज़ जो मैंने किया है, लिख के याद करना। ठीक है, कभी सुना था स्कूल टाइम पे कि याद ना हो तो लिख के याद करो, और सच बताओ तो लिख के याद करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन उस दौरान ऐसा था कि मुझे क्रैक करना था क्योंकि ये मेरा पहला और आखिरी मौका था, दूसरा ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो मैंने वो भी तरीका अपनाया कि चलो लिख के याद करते, अगर याद हो जाता है तो एक एक वर्ड को 10-10 बार 15-15 बार बहुत लिखती थी। और सच बताओ तो लिखने के बाद भी एक घंटे बाद मैं भूल जाती थी। तो फिर उसके बाद क्या होता था, ऐसा होता था कि समटाइम्स बहुत मायूस हो गई हूँ, डिमोरलाइज हो गया, थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई, बट फिर भी खुद को खुद हिम्मत जुटाने की, नहीं नहीं मैं कर सकती हूँ। और सबसे अच्छी बात थी कि जो मुझे टीचर मिले थे वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड किए थे, क्योंकि आपके साथ एक अच्छा टीचर है ना तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके लाइफ में। ठीक है, एक आप पढ़ रहे हो और एक आप गाइडलाइन के साथ पढ़ रहे हो कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, और गाइडलाइन करने वाला बहुत अच्छे से गाइडलाइन कर रहा है, तो ये बहुत बेस्ट बात होती है। तो टीचर मुझे अच्छे मिले थे, वो बस मेरे साथ इतना करते थे कि वो जितना भी टिक लगा के दिए हैं मुझे, आज इस चैप्टर का इतनी सारी चीज़ें टिक लगवा दिए, ये कल याद हो जाना चाहिए। अब मुझे पूरी रात जगनी पड़े या दिन भर जगना पड़े, जैसे भी याद हो मैं पूरा उसे याद करके लेके जाना है तो जाना है, ये चीज़ था मेरे साथ। तो मैं वो चीज़ पूरा याद करके जाती थी। तो ये चीज़ मैंने करा, 3 चीज़, जैसे कि मैंने बताया, एक तो ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन में दोस्तों को बोलती थी मुझसे क्वेश्चंस पूछे। इवन वॉक करते हुए हम फ्रेंड्स लोग आ रहे तो वो वॉक करने के दौरान भी मैं कहती थी कि मुझसे क्वेश्चंस पूछो, पूरा टाइम मुझसे क्वेश्चंस पूछो। सेकेंड में लिख लिख के याद करना,
थर्ड जब भी मैं फ्री रहूं तो रिकॉल करना, फिर लेट नाइट स्टडीज करना, सोना अगर मैं बता दूं कि मैंने एंट्रेंस के टाइम पे मैंने कितने घंटे सोती थी तो 3 से 4 घंटे, 4 घंटे इनफ होता था मेरे लिए सोना, इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं बहुत ज्यादा सो पाऊँ क्योंकि पढ़ना इतना ज्यादा होता था, मेरे पास टाइम कम थे। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि जितनी भी सोशल मीडिया है ठीक है उन सभी से दूर रहना। उस टाइम पे तो मेरा इंस्टाग्राम भी नहीं था, बना हुआ ही नहीं था, फेसबुक था, फेसबुक को मैंने अनइंस्टॉल मार रखा था, और एक बस व्हाट्सअप था जिसमें मैं बहुत कम अपडेट रहती थी, मतलब कुछ जरूरी काम हुआ तो ही व्हाट्सअप ऑन किया देखा, अदरवाइज नहीं। और दूसरी चीज की जितने भी फ्रेंड सर्किल जितने मेरे दोस्त थे मेरे होम टाउन के, सबसे दूरी मैंने बना ली थी कि नहीं किसी से अभी बात नहीं करना है, रिलेटिव से बात नहीं करना है, सिर्फ अगर बात करना है तो अपनी फैमिली से, और अपनी फैमिली में सिर्फ अपनी मम्मी से, मैं उनसे सिर्फ रोज बात करती थी। और सबसे ये सब चीजों से कि नहीं अभी दूर रखना है, अभी सिर्फ स्टडीज पे ध्यान देना है क्योंकि ये मेरे लिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ये 2 महीना अच्छे से पढ़ लेती तो मेरा एक करियर बन जाएगा, माइंड में हमेशा ये आता था। और सेकेंड चीज ये भी आती थी कि, और एक सबसे बड़ी बात तो मैं बताना भूल गई कि जब भी टेस्ट होता था ट्यूशंस में, सच बताओ तो मेरे मार्क्स इतने कम आते थे कि मुझे बहुत बुरा फील होता था कि इतने सारे स्टूडेंट थे और मेरे मार्क्स इतने गंदे आते हैं। 150 नंबर का एग्जाम होता था, टेस्ट होता था, और उसमें मेरे 60 आ रहे, 70 आ रहे, कभी 80, 100 से ज्यादा भी नहीं गए कभी। तो ये चीजें भी मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये क्या हो रहा है, मैं इतना पढ़ रही हूँ और मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, जब मेरे मार्क्स यहाँ अच्छे नहीं आ रहे जो कि यहाँ पे इतनी कॉम्पिटिशन नहीं है, तो एग्जाम में क्या हाल होने वाला है मेरा, वहां पे मैं कैसे करेक्ट करूंगी। तो फिर कुछ कर नहीं सकते, बस इतना था कि मेहनत करनी है, पूरी पूरी मेहनत करनी है, रिजल्ट क्या होगा नहीं पता, बट दूसरी साइड से ये भी था कि मुझे अपनी मेहनत कंटिन्यू रखनी है, इसलिए कि कल को ना भी निकले तो मन में ये ना रहे कि मैंने मेहनत नहीं करी। तो अपनी मेहनत मैंने पूरी करी थी, निकलेगा नहीं निकलेगा ये बस छोड़ दिया था डेस्टिनी पे, भगवान पे छोड़ दिया था, बस इतना था कि मुझे अपना पूरा मेहनत करना है, अपना बेस्ट करना है, और मैंने बेस्ट किया। और सच बताओ तो मैं बहुत, मतलब दिन रात पढ़ना जिसको कहते हैं ना कि पूरा फोकस के साथ, तो पूरा फोकस के साथ, मतलब समझ लो सुबह कोचिंग करा मैंने, कोचिंग के बाद ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन जो चलता था वो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ग्रुप डिस्कशन चलता था, उसके बाद मैं रूम पे आई, खाना खाई, थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैं पढ़ने बैठ गई और फिर पढ़ते रहती थी रात तक। तो इस तरीके से शेड्यूल चलता था थोड़ा बहुत, फिर ड्रॉइंग भी करती थी, ऐसा नहीं है थ्योरी ज्यादा पढ़ती थी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने बीएचयू क्रैक करना, और बीएचयू में सबसे पहले थ्योरी क्रैक करना होता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल के लिए 1 महीने का टाइम मिलता है, तो पहले तो मैं थ्योरी क्रैक कर लूँ, फिर 1 महीने का टाइम मिलेगा प्रैक्टिकल के लिए, ये माइंड में सेटअप था। तो सिर्फ मैंने 2 ही जगह का भरा था, एक बीएचयू का, दूसरा शांति निकेतन का, और सबसे अच्छी बात थी कि मैंने दोनों जगह क्रैक किया, और दोनों जगह क्रैक किया जो कि मुझे भी विश्वास नहीं होता है कि मैंने क्रैक किया इतने कम समय में, जहां मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो मैं बस आप लोग से यही कहना चाहूंगी कि आप कभी ये मत सोच के पढ़िए कि 10 घंटे पढ़ने, 15 घंटे पढ़ने, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये कभी सोचिए मत। बस आप ये सोचिए कि हमें पूरा पूरा मेहनत करना है, जितना मुझे टाइम मिल रहा है वो पूरा टाइम मुझे अपने वर्क पे देना है, और जो आपके पास 1 से 1.5 महीने है ये सच में आप अपने आप को फोन से बिल्कुल दूर रखिए, सोशल मीडिया से दूर रखिए, रिलेटिव से खुद को दूर रखिए, ठीक है, सिर्फ सारी चीजों को अभी अवॉइड करना है आपको, आपको सिर्फ किसको अपने पास लाना है तो अपनी बुक्स को, जो आपके वर्क है उसको सिर्फ अपने पास ला के रखना है, क्योंकि आप ये सोच के पढ़ेंगे ना ये जो 1.5 महीने है या तो ये मुझे बहुत ऊपर ले जाएगा या तो मुझे वो बहुत नीचे ले जाएगा, तो आपको ऊपर जाना है कि नीचे आना है ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप पूरी पूरी मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्रैक करेंगे, और बाई चांस मैं तो बेस्ट विशेष दूंगी आपको कि सच में आपका सिलेक्शन हो जाए, बट बाई चांस नहीं हो पाए किसी रीजन से तो मन में आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मैंने मेहनत नहीं करी, मैंने अपनी मेहनत पूरी करी थी लेकिन नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर इससे भी ज्यादा करूंगी और अलग तरीके से, तो ये चीजें रहेगी। तो मैं बस यही कहूंगी कि आप लोग पूरा पूरा मेहनत कीजिए, और अगर किसी को याद नहीं हो रहा है तो लिख लिख के याद कीजिए, और सबसे बेस्ट ग्रुप डिस्कशन कीजिए, अगर आपके इर्द गिर्द आपके फ्रेंड्स हैं तो आप लोग साथ में बैठ के ग्रुप डिस्कशन कीजिए, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन बहुत ही सही होता है। तो फ्रेंड्स बस मैं आप लोग से यही कहना चाहूंगी कि क्रैक होना ना होना ये बात की बात है, लेकिन मेहनत हमारे हाथ है, तो आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना प्रॉफिट है आप लोगों के लिए। ये मत सोचिए कभी भी कि मेरा क्रैक होगा कि नहीं होगा एग्जाम, बस ये सोचिए कि मुझे अपनी पूरी मेहनत करनी है जहां तक मैं कर सकती हूँ, यहां तक मैं कर सकता हूँ, ठीक है, और पूरा पूरा समय दीजिए अपनी पढ़ाई पे, अपनी स्टडीज पे, क्योंकि ये सिर्फ 1.5 महीने ही आपको दे रहे, उसके बाद आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिल गया तो आपकी लाइफ भी सेट हो जानी है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा,
पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए इस पर भी जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मन लगा के पढ़े, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।